हलचल टीवी न्यूज। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन व्रत रखकर शिव पूजा की जाए तो मन मांगी मुराद पूरी होती है। शिवरात्रि के पर्व को लेकर धर्मनगरी के सभी शिव मंदिर सजाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्राचीन शिव मंदिर स्थानु महादेव में तो केवल आने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मंदिर का उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले पांडवों के साथ मिलकर यही शिव पूजा की थी और शिव ने भी इस मंदिर में उन्हें दर्शन देकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। मंदिर के पंडित ने बताया कि इस दिन शिव पूजा करने का बड़ा महत्व है और पूजा की सामग्री में बेलपत्र के पत्ते या बेलपत्र, दही, दूध, गंगा जल, यहाँ तक कि गन्ने के रस से भी पूजा की जा सकती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सरस्वती के तट पर घने वन में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जिसे तपोवन के नाम से भी जाना जाता था। ऋषियों की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि वे इस भूमि पर स्थिर रूप में विराजमान रहेंगे। माना जाता है कि पुराने काल से इस सृष्टि में स्थिर रूप में शिवलिंग तपोवन में प्रकट हुआ, जिसे श्री स्थानु शिवलिंग के नाम से पुकारा जाने लगा। महंत प्रभात पुरी के अनुसार महाभारत से पूर्व भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित स्थानु शिवलिंग की पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर यहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और मन्नते मांगते हैं। नवल किशोर शास्त्री, कल पूजन के लिए भगवान भोलेनाथ जी के लिए गंगा जल, वस्त्र, फल, फूल, नारियल, भांग, धतूरे और लौंग, इलायची, पान इत्यादि इत्यादि सामान भोलेनाथ जी को अर्पण किया जाता है। विशेष करके धतूरे का पुष्प और माला इत्यादि, ये सब विशेष करके भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण किया जाता है। गंगा जल और दूध से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया जाता है। विशेष में और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का जूस से भी अभिषेक किया जाता है। व्रत रखते हैं, उनको नमक नहीं खाना है, फल फूल इत्यादि मीठे का भोजन करना, नमक का निषेध है। उसका बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि व्रत में जो बगैर अन्न का भोजन के व्रत किया जाए और उसमें पूजा किया जाए तो परमात्मा की विशेष करके कृपा प्राप्ति होती है। ब्रह्म है जो परमेश्वर है, ब्रह्म तत्व वो प्रकट हुआ था, उसकी प्रकटता के लिए, उसके तेज को शांत करने के लिए हम लोग जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं और भजन पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं उनकी, जिससे सारा सम्मान में कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, सब लोग सुखी रहें, इसलिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हम शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर हर वर्ष यहाँ गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, शादियाँ, जिससे जो लोग असहाय वर्ग हैं, शादी नहीं कर पाते, उनको सुविधा हो जाए। उसमें सभी निर्धन वर्ग के नए यहाँ के वाल्मीकि हैं, हरिजन हैं और वाल्मीकि लोग हैं यहाँ, तो ऐसे में हमारा भय है कि समाज का कल्याण हो, तो शिव का अनुरूप है कल्याणकारी, समाज कल्याण की भावना लेकर के हम समाज कल्याण का कार्य करते हैं, ताकि सब लोग सुखी रहें, सबको सुविधा हो, सर्वे सुखिना, सर्वे संतु निरामया। कुरुक्षेत्र से हलचल टीवी के लिए दर्शन कैद की रिपोर्ट। अब सुंदर बनने का सपना करे साकार, क्योंकि अब सुंदरता पाना हो गया है बहुत ही आसान। सुंदरता का राज जान गए हैं सुंदरा सीक्रेट और लेकर आए हैं आपके लिए सुंदरता के ये उपहार। सुंदरा सीक्रेट फेशियल किट, सुंदरा सीक्रेट टी टैन, सुंदरा सीक्रेट हेयर स्पा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स कर रखेंगे आपकी सुंदरता का हर तरफ से ख्याल। बिकॉज वी कैन, वी केयर ब्यूटी फॉर एवर। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।